हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निकमा। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को। जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। सो दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर आज के दिन में मैं आप लोग के मूव्स के साथ में बात करूँ तो इतने कुछ अच्छे प्रॉफिट जो है वो हम लोग को आज के दिन में नहीं देखने को मिले थे। कम्प्लीटली साइडवेज बैंक निफ्टी जो है वो देखने को मिला था। पी साइड में एक अच्छा ट्रेड हम लोगों का बना था निफ्टी में, जिसमें मनी डबल मूव जो है वो देखने को मिला था। एंड देन उसके बाद में 41,500 की इस लेवल पे, जो कि मैजिकल लेवल है, आप लोग को अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि जो भी ये लेवल है ये मैजिकल ब्रेकआउट लेवल होता है। और जो लेवल 4 होता है और जो स्टॉक ऑप्शंस में लेवल 3 होता है वो होता है हम लोगों का रिवर्सल का लेवल। सो एग्जैक्टली पिन पॉइंट रिवर्सल लेवल पे आ गया था हम लोगों का यहाँ पे, और इसी लेवल से हम लोग को मूव मिला था। अगर आप लोगों ने देखा रहेगा तो मैंने इसी लेवल पे 41,600 का सी जो है वो हीरो और जीरो करवाया था। लगभग 300 पॉइंट का हम लोगों को यहाँ पे जो है अपसाइड देखने को मिला था, लेकिन फिर भी ये आराम से ऊपर गया था टाइम डीके करते करते। इसीलिए हम लोगों को सी में जो है वो हीरो और जीरो में कुछ प्रॉफिट ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। 8 रुपए से लेकर के 20 रुपए का इसने हाई लगाया था, जो कि 300 पॉइंट्स के मूव्स के हिसाब से इतना कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अब क्या करेंगे गाइस, हम लोग ऑप्शन बायर्स है तो हर चीज हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में जो है वो नहीं होती है। अगर से बात करेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में तो निफ्टी के फ्यूचर्स पे शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला था। पी साइड में बहुत बेहतरीन ट्रेड हम लोग को देखने को मिला। एंड देन निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल ट्रेड हम लोग को शो जरूर किया था, लेकिन नीचे आ गया और यहाँ पे टाइम डीके इसने बहुत ज़्यादा किया। तो यहाँ पे भी हीरो और जीरो में आज हम लोगों का लक जो है हम लोगों के साथ में नहीं था। अगर से बात करेंगे, जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स आप लोग के साथ में अपने हर YouTube के वीडियो में शेयर करता हूँ उसके साथ में, तो उसमें से पहली स्टॉक थी कमिंस इंडिया की। कमिंस इंडिया ने क्या किया था, आज हम लोग को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे बाई करने का एक चांस दिया था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। एंड देन यहाँ से कमिंस इंडिया में हम लोग को एक डाउनफॉल देखने को मिला था लेवल 1 देने के बाद में। सो सी में एक हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला था। एंड देन पी में भी अराउंड लेवल 2 का प्रॉफिट जो है वो आज हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक आज के दिन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी वो थी HDFC की। पिन पॉइंट यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन पे ट्रेड बना था पीई साइड में। और जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था कि स्टॉक्स में भी लेवल 3 जो होता है वो रिवर्सल होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे 4th लेवल रिवर्सल का एग्जैक्टली हम लोग को इस सेम लेवल से रिवर्सल मिल गया। सी में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग को HDFC की जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो आज के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी वो थी ईश्वर मोटर्स की। सीधा पहली कैंडल हम लोगों की जो स्टार्ट हो गई थी वो हमारे मैजिकल लेवल से स्टार्ट हो गई थी। शार्प फॉल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। और अगर ट्रेड की बात करेंगे सेफ लोगों के, तो यहाँ पे वो ट्रेड बना था जिसमें हम लोग को पी साइड में एक अच्छा सा प्रॉफिट जो वो देखने को मिल गया था। यानी कि गाइस, जो भी 99% की एक्यूरेसी में आप लोग के साथ में क्लेम करता हूँ अपने हर यूट्यूब के वीडियो में, अपने हर यूट्यूब के थंबनेल पे, वो आज भी बरकरार है। कल की यूट्यूब पे थंबनेल पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पी साइड की जैकपॉट एक्सपायरी बन सकती है। आज हम लोगों को मार्केट में पी साइड में जैकपॉट रेट जो है वो देखने को मिला था। सी में टाइम डीके की वजह से वो आज के दिन में नहीं हो पाया था। और गाइज 99% की एक्यूरेसी चल रही है हम लोगों की 223 डेज तक। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही जो भी मैं डेली के अपडेट्स के वीडियोस बनाता हूँ ताकि, और जो लर्निंग के वीडियोस बनाता हूँ उसके अपडेट जो है वो आप लोग तक पहुँच सके टाइमली। और अगर गाइज आप लोगों ने वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ गाइज, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग का आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जा कर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पर ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह एक महीना प्रीमियम सर्विस फ्री 2 महीना 3 महीना 6 महीना ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइज लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2000 5000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरी लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज़ का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपने प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और LIS ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे ऐड कर देंगे। दोस्तों कल के दिन के लिए जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कोफोर्ज की। अब कोफोर्ज में एंड ऑफ द डे यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे कोफोर्ज ने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन जो है वो बना करके रखा हुआ है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाता है तो 3,685 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा। ये इसकी नेकलाइन रहेगी, नेकलाइन को ब्रेकआउट दे देता है वॉल्यूम के साथ में तो एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। 3,695, 3,715, 3,741 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे तो 3,670 स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं चला जाता है तो 3,670 के नीचे स्टॉक बेयरिश है। 3,660, 3,640, 3,613 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे तो 3,685 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है लालपत लैब की। लालपत लैब ने भी आप लोग को यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम जो है वो विजिबल है, नेकलाइन के अराउंड रेजिस्टेंस ले रही है। एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम इसमें भी आ चुका है। 2,370 के ऊपर स्टॉक बुलिश रहेगा। 2,378, 2,390, 2,410 हमारा अपसाइड का लेवल रहेगा तो 2,356 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अपसाइड नहीं चला जाता है, यहीं से रिजेक्शन लेकर के नीचे गिर जाता है तो 2,356 के नीचे स्टॉक बियरिश है। 2,347, 2,335, 2,322 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स है तो 2,370 हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और जो कल के दिन की तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है JK सीमेंट की, जो कि एंड ऑफ द डे अच्छा सा वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हुई है। यहाँ पे हम लोग को डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है और इसमें वॉल्यूम आने के बावजूद हम लोग को यहाँ पे कोई भी स्टॉक में मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आइदर किसी भी साइड में जो ब्रेकआउट हम लोग को मिलेगा एक अच्छा ट्रेंड इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। 2,775 के ऊपर JK सीमेंट बुलिश है। 2,781, 2,794, 2,811 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे तो 2,760 स्टॉक लॉस रहेगा। इन केस अगर अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2,760 के नीचे स्टॉक बेयरिश है। 2,752, 2,741, 2,727 हमारे यहाँ पे डाउनसाइड के लेवल्स है तो 2,775 हम लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। तो दोस्तों ये थे मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स। इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाई अबव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सेलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पर ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीज़न मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट ट्रेड्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट चार्ट्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के दिन का अगर प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पे इंट्राडे में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वैसे तो 21,600 का हम लोगों का लॉन्ग टर्म में टारगेट जो है वो है। सो ये जो भी हम लोग जिगजैग वाले मूव्स जो भी आप लोग मेरे थंबनेल पे देखते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वो इंट्राडे के लिए लिमिटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म का जो मेरा व्यू है वो तो मैंने आप लोग के साथ में पहले से शेयर करके रखा हुआ है। अब इंट्राडे में हम लोग को यहाँ से एक सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने फेस किया हुआ है। अगर से हल्का सा गैप अप हम लोग को मिल जाता है आज के गैप अप आज की जो ओपनिंग प्राइस थी इसके ऊपर, तो हम लोग को एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड जो है वो कल के दिन में मार्केट में देखने को मिल जाएगा। अगर इसके हम लोग बात करेंगे इंट्राडे के ट्रेडिंग के लेवल्स पिक के बारे में, तो दोस्तों 18,111 के ऊपर निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 18,147, 18,185, 18,236 और 18,300 हमारे अपसाइड के लेवल्स है। तो 18,070 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है। 18,037, 18,000, 17,964 और 17,926 हमारे यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग गाइस, तो कंप्लीटली बॉटम पकड़ा था आज हम लोगों ने। 300 पॉइंट की रैली हम लोग को मिली थी और यही उसका बॉटम था जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने कंप्लीटली यू टर्न ले लिया है। अब जैसे मैंने आप लोग को निफ्टी में लॉजिक बताया था, वैसे यहाँ पे ये डे हाई का लॉजिक जो है वो काम करेगा एक अपसाइड के ट्रेंड के लिए। एंड ऑफ द डे ये जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है इस पर हम लोग को एक अच्छा सा बायर्स का वॉल्यूम जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर से बात करेंगे गाइज जो भी लेवल्स इसके हम लोग कल के दिन के लिए ट्रेड करने वाले हैं उनके बारे में, तो 41,757 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश है। 41,874, 41,982, 42,102 और 42,273 हमारे अपसाइड के लेवल्स है। तो 41,650 के नीचे अभी रिश है। 41,554, 41,448, 41,335 और 41,207 हमारे यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स होने वाले। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स, हम लोगों ने उनके लॉजिक्स को समझा है, एंट्री एग्जिट और उनके टारगेट्स को भी समझा है। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लिस्टेड हैं, सो आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी इनके ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल के दिन के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के प्रेडिक्शन के साथ में। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।